नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। थाना शिकोहाबाद पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अवैध रूप से गौ की तस्करी करने वाले दो छात्र युवक फिरोज खान और वसीम खान को 32 जिंदा गोवंश के साथ बरामद करने में सफलता प्राप्त की। थाना शिकोहाबाद पुलिस SHO हरविंद्र मिश्रा को मुखबिर से खास सूचना पर पुरातन तिराहा मुस्तफाबाद रोड पर बैरियर लगाकर की जा रही चेकिंग के दौरान एक बंद बॉडी कंटेनर को टॉर्च दिखाकर रोकने का प्रयास किया गया, तो कंटेनर ड्राइवर द्वारा बैरियर में टक्कर मारकर भागते हुए पुलिस पर जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायर किया, जिससे पुलिस बाल बाल बच गई। दो व्यक्ति कंटेनर से उतरकर भागे, जिन्हें पुलिस टीम ने घेरकर गिरफ्तार कर लिया। दो अभियुक्त भागने में सफल रहे। अभियुक्त ने अपना नाम वसीम खान उर्फ छोटे और दूसरे अभियुक्त ने अपना नाम फिरोज खान। दो अन्य साथी भोला खान निवासी ग्राम शेरघाटी थाना आमस जिला गया राज्य बिहार और कामिल निवासी आगरा भागने में सफल रहे, जिन्हें पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है और उन्हें शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अभियुक्त के कब्जे से एक तमंचा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस 315 बोर और एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर, दूसरे पुलिंदा से एक मोबाइल, तीसरे पुलिंदा में 64 अदद रस्से और एक अदद गोवंश काटने का बाक, 6 अदद चाकू और 32 अदद गोवंश और एक अदद ट्रक बंद बॉडी BR02GA6204 बरामद करने में सफलता प्राप्त की। सर, ये शिकोहाबाद में गो तस्करी वाला क्या मामला है? देखिए, आज जो है थाना शिकोहाबाद पुलिस को सूचना मिली कि एटा की तरफ से एक जो कैंटर आ रहा है, जिसमें 35 जो है गोवंश भरे हुए हैं, इनको जो है तस्करी करके बिहार ले जाया जा रहा है। इस सूचना पर तत्काल जो है थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ पहुंचे और गौ तस्करों से उस कैंटर को पकड़ने का प्रयास किया, तो उनकी तरफ से फायरिंग की गई। तो पुलिस मुठभेड़ के दौरान दो अभियुक्त फरार हो गए। दो अभियुक्तों को जो है गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से एक फिरोज और दूसरा वसीम खान है। फिरोज जो है ये अररिया थाना क्षेत्र का रहने वाला है, वसीम जो है गया का रहने वाला है, बिहार का। इनके फरार साथी जो हैं वो भोला खान और कामिल हैं। भोला जो इसमें है ये बिहार का रहने वाला है, कामिल आगरा का रहने वाला है। इनके लिए इनकी धरपकड़ के प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें जो है अभियोग पंजीकृत, गौ तस्कर से संबंधित अभियोग पंजीकृत किया गया है। आगे जो है विधिक कार्रवाई इसी के अनुसार की जा रही है।